अनुरीति ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 15 में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे सिंह लग्न में मारक कारक और समग्रह। सिंह लग्न वाले बेसिकली स्थिर स्वभाव के होते हैं। सरकारी नौकरी के लिए ये राशि कारक मतलब अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा ये कॉम्पिटिटर को तुरंत धूल चटा सकते हैं। अच्छा इसके अलावा घूमने के शौकीन होते हैं, आराम पसंद नहीं होता। इनका स्वभाव स्थिर होता है। अगर मैं बात करूं राशियों की तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 12 राशियां हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आपस में मित्र हैं। शनि, राहु, केतु, शुक्र आपस में मित्र हैं। और ये चार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, शुक्र इन चारों के दुश्मन है, ये आपस में शत्रुता रखते हैं। बुध ग्रह सबका मित्र है, चंद्र और मंगल का छोड़ के। तो सबसे पहले कारक कारक सम मारक और बाध्य, इस पर मैं एक चार वीडियो पर्टिकुलरली इसके बाद बनाने वाला हूं। अभी आपको थोड़े से नियम समझा देता हूं। त्रिकोण का मालिक हमेशा कारक होगा। इसके अलावा अब हम सबसे पहले कारक निकालें। तो कारक में अगर आप देखें तो चूंकि पांचवी राशि सिंह राशि, इस राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर कारक होंगे। ठीक है, तो सूर्य इसमें कारक गिने जाएंगे। अगर सूर्य सूर्य के बाद जो अगला है, सूर्य के बाद जो अगला है जस्ट उसका द्वादश अष्टम थ्योरी के अलावा दूसरा घर, अगर बुध इसमें मित्र है तो बुध भी मित्र में गिने जाएंगे, तो बुध भी यहाँ पर कारक गिने जाएंगे। तीसरा घर है आपकी सातवीं राशि। सातवीं राशि यानी तुला। शुक्र की दो राशियां होती हैं, एक यहाँ मेहनत वाला घर मिला है, तुला तीसरे घर पे है। इसके अलावा शुक्र की जो दूसरी राशि है वो आपका केंद्र में है। केंद्र लग्न का शत्रु है इसलिए, लेकिन घर अच्छा है तो इसको हम शुक्र को सम मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो चौथा घर है, चौथा घर मंगल की राशि है। मंगल को एक केंद्र मिला है और एक त्रिकोण मिला है, तो मंगल भी इस लग्न में आपका कारक में गिने जाएंगे। इसके अलावा अगर हम जाते हैं पांचवा घर, पांचवा घर त्रिकोण में आता है। त्रिकोण यानी यहाँ पर गुरु की राशि है, नवी राशि ये है और एक एक राशि इनकी आठवें घर में, लेकिन त्रिकोण तो ये भी काहे में लिया जाएगा, गुरु को भी हम काहे में लेंगे, कारक में लेंगे। ठीक, इसके अलावा जो आपका सातवा घर है, सातवा घर शनि है। शनि सूर्य का अति शत्रु है। इसके अलावा द्वादश अष्टम थ्योरी भी यही कहती है, सातवा घर शत्रु, तो शत्रु यहाँ पर शनि भी क्या हो गए आपके, मारक हो गए। ठीक, इसके अलावा अगला घर आठवां घर गुरु की राशि बता चुका हूँ, नवा घर मंगल की राशि बता चुका हूँ। इसके अलावा आपका जो दसवां घर है, दसवें घर में आपको देखिए कौन, दूसरी राशि शुक्र की राशि है। तीसरा घर बुध भी हम समझ चुके हैं। जो बारहवां घर है वो है चंद्र। चंद्र चूंकि घर बहुत खराब मिला हुआ है तो चंद्र को हम रखेंगे इसमें मारक में। तो ठीक है, तो ये था आपका कारक मारक और सम निकालने का एक सिंपल सा तरीका। ठीक है, अब अगर मैं योग कारक ग्रह की बात करूं तो दो राशि वाले ग्रह, अगर एक राशि उनकी 6, 8, 12 में भी हो, ठीक है, और एक त्रिकोण में हो, तो उन्हें आप हमेशा कारक लिखिए। ठीक है, जैसे नवा यहाँ पर गुरु देखिए, इसको यहाँ पर त्रिकोण मिला है और यहाँ पर अष्टम घर भी मिला है, लेकिन चूंकि त्रिकोण है कितना भी कुछ हो इसको आपको कारक में ही लिखना है। ठीक है, योग कारक ग्रह केंद्र के स्वामी हो, मतलब अगर मैं बात करूं कि योग कारक ग्रह और दोनों केंद्र के हैं, जैसे आपका मिथुन लग्न है, जैसे आपकी, मैं उन लग्नों में समझाऊंगा जिसमें केंद्र में भी आएंगे, तो उनको भी आप कारक लिखिए। थ्योरिटिकल कुछ लोग उसे सम बोलते हैं, कुछ लोग उसे मारक बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। 400, 500, हजारों कुंडलियों में मैंने देखा है कि केंद्र के मालिक कभी भी खराब घर खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा लग्नेश का शत्रु दूसरे और सातवें घर में है, तो वो मारक गिना जाएगा, बहुत खराब फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। 3, 6, 8, 12 भावों में, 3, 6, 8, 12 भावों में अशुभ भाव, मतलब जैसे 3, 6, 8 में अगर सिंगल राशि फंसती है तो वो सीधा सीधा काहे में जाएगी, आपकी मारक में चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सम ग्रहों की बात मतलब 3, 6, 8, 12 में अगर एक राशि क्या है, कोई भी राशि अगर इसमें फंसती है, उसको क्या लेंगे अपन, उसको मारक की कैटेगरी में ले लेते हैं। ठीक है, अभी बेसिक आप ये समझते चलिए। ठीक, अब अगर मैं सम ग्रह की बात करूं, ना तो खराब ना बुरा, 3, 6, 8, 12 त्रिकोण में ना हो तो वो सम ग्रह गिना जाएगा। फिर से सुन लीजिए, 3, 6, 8, 12 या त्रिकोण में ना हो तो वो काहे में गिना जाएगा, सम ग्रह में। ठीक, अगर अब मैं
मारक की बात कर लूं, मारक में अगर देखें तो 3, 6, 8, 12 भावों का स्वामी, अगर वह लग्नेश 5, 9 नहीं है तो वह मारक गिना जाएगा। मतलब अगर कोई ग्रह 3, 6, 8, 12 में है एक राशि उसकी, और एक राशि उसकी मतलब ना तो लग्न में है, ना 5वें घर में है, और ना 9वें घर में है, तो उसको हम काय में गिनेंगे, मारक की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा बाधक पे भी मैं बाधक भी होते हैं, तो सम कारक मारक और बाधक, इस पे पूरा एक वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं। मैं एक नहीं बनाऊंगा, 4 वीडियो बनाऊंगा, एक कारक के लिए बनाऊंगा, एक सम के लिए, एक बारक मारक के लिए, और एक बाधक के लिए। बाधक का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत है, बाधक जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। राशियां चर स्थिर द्वि स्वभाव की होती है। चर राशि 1, 4, 7, 10, 1 मतलब आपकी मेष, 4 मतलब कर्क, 7 मतलब तुला, 10 मतलब मकर। चर राशि में 11th हाउस को बाधक बताया गया है, ठीक है, चर राशि वालों को 11th हाउस में बाधक, ये थ्योरी भी गलत है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा स्थिर राशि 2, 5, 8, 11, वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ, इसमें 9th हाउस को बाधक बताया, जबकि 9th हाउस कभी बाधक हो ही नहीं सकता, भाग्य का घर है, तो वो थ्योरी बाधक के हिसाब से वो भी गलत है। इसके अलावा द्वि स्वभाव में 3, 6, 9, 12, इसके लिए 7th हाउस को क्या बताया गया, बाधक। मिथुन कन्या धनु, धनु और मीन के लिए ये भी थ्योरी बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, तो बाधक जैसी कोई थ्योरी नहीं है, उसको जबरन मतलब उसका कोई मैंने इम्प्लीमेंट मतलब उसको कभी भी मैंने होते हुए नहीं देखा जो बाधक की थ्योरी दी जाती है, ठीक है। तो कारक, सम और मारक, ये चीज आप ध्यान रखें, इनको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने आपको इस कुंडली में एक बार और बता देता हूं, कारक के लिए सीधा आपको देखने हैं लग्न मतलब त्रिकोण, लग्न, ये लग्न को हम त्रिकोण में भी लेते हैं, किर में 1, 5 और 9, अगर इसमें कोई भी ग्रह है सीधा आपको क्या लिखना है, उसको कारक में लिखना है। 3, 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह अकेला फंस रहा है तो उसको आप मारक में लिखें, अगर कोई ग्रह ना तो बहुत खराब है ना बुरा है तो उसको आपको काहे में लेना है, सम में, मतलब कैसे 3, 6, 8, 12 या त्रिकोण में ना हो, 3, 6, 8, 12 में भी नहीं है और त्रिकोण में भी नहीं है, तो उसको आप काहे में लेंगे, सम ग्रह में लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये थी आपकी सिंह लग्न में कारक मारक और सम निकालने का फॉर्मूला। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।